हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कृषि मंत्री के पत्र पर किसान संगठनों का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को भ्रमित करने के लिए यह चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में किसानों के हक की कोई बात नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चिट्ठी से किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इस मौके पर किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो भावुक शब्दों का प्रयोग करके इस किसान आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश की है, और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो प्रपोजल सरकार ने भेजा था उससे भी कुछ कम ही बात इस चिट्ठी के माध्यम से करी है, और कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम इस चिट्ठी के माध्यम से कर रहे हैं। मंत्री जी वो कह रहे हैं कि डेढ़ गुना भाव दे रहे हैं, लेकिन डेढ़ गुना भाव नहीं मिल रहा है, और ना ही सरकार ने अब तक कोई कानून बनाने की घोषणा की है एमएसपी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी करते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो इलीगल हैं, कानून के विरुद्ध हैं। इनसे इनको कमेटी बनाने की बजाय इनको निरस्त करवा करके देश के किसान